नमस्कार मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाना फरह क्षेत्र में लिफाफा गैंग के बदमाशों ने एक किसान से पौने 2 लाख रुपए की नकदी लूट ली। घटना की खबर पाकर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ये किसान धान बेचकर अपने गाँव वापस लौट रहा था। थाना फरह क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तमंचे के बल पर किसान से 1,72,000 रुपए लूट लिए गए। पीड़ित किसान औरैया निवासी विनय कुमार पुत्र सुरेंद्र ने बताया कि वो मथुरा मंडी से धान बेचकर अपने मामा के साथ गांव नुनहा जिला औरैया वापस जा रहा था। तभी मथुरा चौराहे पर लिफ्ट का लालच देकर किसान को जबरदस्ती बिठा लिया गया और महुवन टोल टैक्स से सफेद कलर की स्विफ्ट कार से फेंक दिया और किसान से तमंचे के बल पर धमकी देते हुए धान की फसल से मिले 1.25 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित ने फरह कर इलाका पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि ऐसी ही वारदात 4 दिन पहले सामने आई थी, जिसमें कार सवारों ने अपने आप को क्राइम ब्रांच से बताते हुए और चेकिंग करने के बहाने पैसों को लिफाफे में रखवा लिया और लूटने के बाद व्यक्ति को चलती गाड़ी से फेंक दिया। जब इस संबंध में सीओ रिफाइनरी विनय कुमार चौहान से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पीड़ितों की तहरीर ले ली गई है, जांच कर आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। बॉबी कहाँ के रहने वाले हैं आप? पापा इटावा के पास पपून रहते साहब। तो क्या करना हुई आपके साथ में? धान बेच के आ रहे थे साहब, हमको कट्टा लगा के सब रुपए छीन लिए। आप किस में बैठे थे? गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया साहब। कौन सी गाड़ी थी? बैगनार थी साहब, ऐसी गाड़ी थी। अच्छा, बैगनार गाड़ी में जबरदस्ती आपको बिठा लिया था, फिर क्या हुआ? हमको कट्टे लगा दिए, पैसे निकाल निकाल लिए पैसे। कितने पैसे थे? 1,72,000 साहब थे। हम तो पहली बार बेचने आए थे पापा, मेरे अभी खत्म हो गए। महावन क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बंद भोरे में एक महिला की शव मिलने से सनसनी फैल गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महिला की कहीं और हत्या की गई और उसके बाद शव यहां फेंक दिया गया। थाना महावन क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर अज्ञात महिला के शव बोरे में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हम बताते चलें कि यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 115 ग्राम कारप के समीप एक बोरे में बंद अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब बोरे में बंद शव को देखा तो वो दंग रह गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को देखकर लग रहा था कि युवती शादीशुदा है, जिसकी रेप करने के बाद हत्या किए जाने की आशंका भी ग्रामीण कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि युवती की कहीं और हत्या की गई और उसके बाद हत्यारों ने उसका शव यमुना एक्सप्रेसवे पर पटक दिया। इस घटना के संदर्भ में एक प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण और एसपी देहात अरुण कुमार ने जानकारी दी। ये बोरी में लाश पड़ी थी, बोरी निकाल के देखा तो बाजार में बोरी पड़ी देखी थी। तो बोरी खोली थी आपने? कि बोरी पत्थर सिंह ने खोली थी। फिर उसमें डेड बॉडी मिली। किसकी डेड बॉडी है? महिला की। क्या क्या है इसके शरीर पर, कपड़े वगैरह क्या? बस क्या लग रहा है इसको देख कर, क्या प्रतीत हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने रेप करने के बाद में इसकी हत्या कर दी। दुराचार के बाद अच्छा, मतलब नीचे से डाली गई है, सर्विस रोड से ही डाली गई है, ऊपर से नहीं डाली गई है। ऊपर से लड़की मिट्टी होती है। सर बताएं, एक अज्ञात युवती का शव मिला, क्या मामला है पूरा? ये महावन क्षेत्र में कारब गांव पड़ता है, उसी से लिंक रोड जाता है, जिस पर जो हाईवे की तरफ यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है, उस पर एक अज्ञात युवति का शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ये अप्राकृतिक डेथ लग रही है, अननेचुरल डेथ है लग रही है। इस पर हम लोग उसको कब्जे में लिए हैं और पोस्टमार्टम करा रहे हैं, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जो भी जानकारी है उसके हिसाब से अभी इसका शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्त के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। छाता में बंद पड़ी शुगर मिल के पीछे छापा मारकर पुलिस ने एक तमंचा फैक्ट्री बरामद की है। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में असलह और उपकरण भी बरामद किए हैं। छाता पुलिस के हत्थे चढ़े ये दोनों लोग वो शातिर हैं जो पुलिस की आंखों में ही नहीं बल्कि लोगों की आंखों में धूल झोंक कर चला रहे थे हथियारों की फैक्ट्री। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली
कि कुछ लोग छाता की बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री के पीछे हथियार बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जब छापामारी की तो वहां मिली हथियारों की फैक्ट्री। हथियारों की फैक्ट्री देखकर भी पुलिस दंग रह गई। मौके पर पुलिस को 6 तमंचे देशी 315, 8 जिंदा कारतूस और अवैध हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। पकड़े गए इन छात्रों में से एक ईशु पुत्र रहीम बक्स निवासी शाहपुर और यूनुस पुत्र मुनशरीफ निवासी नगलाओ टावर कोसी का रहने वाला बताया गया है। इस घटना के बारे में सीओ छाता चंद्रधर गौड़ ने जानकारी दी। कल दिनांक 21/11/2017 को मैं और चौकी इंचार्ज बाजना मैं फोर्स के गश्त पे थे तो मुखबिर के द्वारा सूचना मिली रायपुर के जंगल में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चल रही है। सूचना पर हम पुलिस बल के साथ मौके पे पहुंचे और चारों तरफ घेराबंदी की। घेराबंदी करके हमने दो बदमाश कदीर निवासी शेरगढ़ और प्रेमवीर निवासी टप्पल को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से बने एवं अनबने कई तमंचे, कई नाल और भारी मात्रा में फैक्ट्री से संबंधित सामान मशीनें बरामद हुई हैं जी। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। कब से कर रहे थे सर ये कार्य? ये कार्य काफ़ी दिनों से कर रहे थे और इनका ये कहना है, इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा था और इससे जो पैसा आता था उससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ये थाना नौझील के अंतर्गत रायपुर क्षेत्र का जंगल है। वहाँ पर एसओ ने करीब 5:45 दबिश दी। मुखबिर की सूचना मिली थी कि वहाँ पर फैक्ट्री है असलाह बनाने की, लोग बनाते हैं, बाहर सप्लाई करते हैं। ये सूचना पर एसओ ने दबिश दिया तो वहाँ से दो लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसमें कदीर ये शेरगढ़ का रहने वाला है और प्रेमवीर ये टप्पल अलीगढ़ का रहने वाला है। वहाँ पर 3 तमंचे बरामद हुए और 12 अधबने हथियार बरामद हुए, साथ में जो इसके बनाने के उपकरण हैं वो भी बरामद हुए हैं। इस प्रकार एसओ ने ये अच्छा काम किया है और जिस पर अभियुक्तों को गिरफ्तारी के बाद इसको सर चुनावों से भी इसका कोई संबंध हो सकता है? हाँ, चुनाव में ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी उन पर नज़र है और इस प्रकार किसी भी तत्व को, किसी भी प्रकार से इनको रोकना है ऐसे तत्वों को, यही हमारा उद्देश्य भी है। इसलिए इसी के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही है। सर इसमें थाना हाईवे के गांव मोहली में घर में सोती महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, जल्दी और कुछ खुलासा होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि थाना हाईवे क्षेत्र स्थित गांव मोहली में घर में सोती एक महिला चंचल की हत्या कर दी गई। छत पर पहुंचे हत्यारों ने पहले लोहे का जंगला हटाया, उसके बाद हत्यारे कमरे में प्रवेश कर गए और सोती चंचल को दबोच लिया और उसकी हत्या कर दी। हत्यारों ने इस घटना को इतने शातराना अंदाज से अंजाम दिया कि महिला की चीख किसी को भी सुनाई नहीं दी। पता तब चला जब महिला के बच्चों ने दरवाजा खटखटाया और ना खुलने पर रोने लगे। इस मामले में मृतका के परिजनों ने पड़ोस के ही रहने वाले कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस ने पड़ोस में ही रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये हत्या क्यों और किस लिए की गई, इस बात की छानबीन की जा रही है और पकड़े गए आरोपी से पूछताछ भी हो रही है। रालो के जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी हार निश्चित रूप से दिखाई दे रही है, इसलिए मंत्री श्रीकांत शर्मा तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। और भी न्याय पंचायत उसके परिषद के जहां पर कि मतदाताओं की सूची गायब है, जब इन्हें मालूम थी कि नगर निगम का गठन हो रहा है तो ये तैयारियां तो बहुत पूरी पहले से होनी चाहिए थी। मेरा जन्म डेम्पियर में हुआ, मैं मत डालता आज तक लाल स्कूल पे चला आ रहा हूँ। मेरे घर परिवार के 54 मत उस सूची में से गायब थे। अब परसों कोई नई सूची आई है, उसमें मैंने सुना है, देखा नहीं है कि मेरे भी मत उसमें आ गए। तो ये एक बात मैंने मिसाल दी। बाकी हमारे 3 वार्ड ऐसे हैं, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 57 और वार्ड नंबर 19, ये तीनों हमारे प्रत्याशी परेशान हैं। इनके 57 के तो 3 वार्डों में नाम जोड़ दिए, तो 3 वार्डों में तो ये प्रचार करने जा रहे हैं और वार्डों में, और 3 वार्डों के प्रत्याशी इनके आ रहे हैं। वार्ड नंबर 12 की विडंबना बड़ी विचित्र है,
हम विद प्रमाण बीएलओ के हस्ताक्षर वाला प्रमाण आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। चार वार्ड थे, चार बूथ थे, दो कोटा के, एक चंदननगर का और एक देवीपुरा का। उन वार्डों में तीन में तो मौजूद हैं, बाकी देवीपुरा के 2884 वोट जो निर्णायक है, तो अकेला हमारा राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी सूरज है, उसके न तो मते और न वार्ड है, बूथ है, बूथ ही वहाँ से खत्म कर दिया, चूंकि मतदाता ही खत्म हो गए। क्या मांग करते हैं? तो हमने इसकी तो मांग कल मेरी उप जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी, हालांकि वो कह रहे थे न तो मैं आर ओ न ए आर ओ, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी मेरे पे है। तो मैंने कहा हमने इसके फैक्स चुनाव आयोग को भी कर दिया है, उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त को भी कर दिया है, कमिश्नर को भी कर दिया है, जिलाधिकारी को भी लिख दे दिया। जिलाधिकारी से जिस दिन मैं पद्मावती का वो दे के आ रहा था, उस दिन ये लोग वहीं थे, मिल रहे थे, मैंने भी कहा। तो हमारा मतलब ये है कि चुनाव को प्रभावित करने का पूरा षडयंत्र, 26 नंबर वार्ड के 2900 वोट वो टोटल 7 नंबर में षडयंत्र। अरे ये आप पूछ रहे हैं मुझसे षडयंत्र कौन बना रहा है, आपको नहीं मालूम? सरकार बना रही है, प्रशासन बना रहा है, और प्रशासन के मंत्री बना रहा है, प्रशासन का मंत्री बना रहा है, और कौन बनाएगा? शासन का मंत्री श्रीकांत बना रहा है। और एक एक तो बड़ा हास्यास्पद है, हमारे को मत ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माता बहनों को गाली पड़ रही है, अश्लील गाली, वोटर लिस्ट में है, उसका मैं तत्व प्रमाण के साथ दे रहा हूँ, उस भाषा का मैं प्रयोग मीडिया के सामने कर नहीं सकता हूँ। इसमें संशोधन नहीं किया गया आज तक, और मतदाताओं के हाथ में सूची पहुंच गई, क्या हम गालियों के साथ मत डालेंगे 19वें? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात की ये योजना बना रहे हैं कि 18% नोटा पे बटन दब जाए, जिससे कि चुनाव ही निरस्त हो जाए। यहाँ तक की प्लानिंग है गोविंद जी, आप पूछ रहे हैं कि आपके भाजपा सरकार की, हम तो ये कह रहे हैं कि इतने लोग जागरूक क्यों नहीं है यहाँ? राष्ट्रीय दल आज क्या कर रहे हैं, राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? मैंने तो बहुत पहले पहल की थी, आज भी सबको फोन किया, कोई नहीं आया। तो हमारी ये मांग है कि चुनाव फेयर होना चाहिए, अगर आपकी कोई हंकी पेंकी की तो सड़क पर जनता होगी, और ये घरों में बंद होंगे, अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि भी और मंत्री भी। मैं आगाह कर रहा हूँ आपके चैनल और आपके मीडिया के माध्यम से, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से, कि इसमें तत्काल सुधार ले आएं। अभी बेटी बाप की है, 4 दिन शेष है, आप इसमें सुधार करिए। इनके बूथ पे 2884 वोट आने चाहिए, बूथ बनना चाहिए, वरना हमने ये मांग की है कि अगर आप संभव नहीं है तो इन वार्डों के चुनाव बाद में करा लिए, निरस्त कर दीजिए। एक वार्ड के चुनाव न होने से यहाँ 70 वार्डों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेयर पे फर्क। और इसलिए हम मांग करते हैं आप लोग हमारी बात को शासन प्रशासन परसीमन भी गलत हुआ, बल्कि ये तो नेशनल प्रेस में आप लोग भिजवाइए, मैं सभी से आह्वान कर रहा हूँ। परसीमन के बारे में और बताइए। परसीमन गलत हुआ, परसीमन गलत हुआ है, इसलिए गलत हुआ है कि हमारे जो परसीमन गलत हुआ है, क्योंकि वृंदावन की तलैटी में जो गांव बस रहे हैं, राजपुर, कैलाश नगर, चेतन विहार, रुक्मिणी विहार और आपके तेरा बुर्जा, उनको शामिल नहीं किया गया। और मुकुंदपुर, तारसी, धनगांव, बाद जो 42-40 में मुड़ेसी, इनको उसमें शामिल कर लिया गया। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि परसीमन ही गलत हुआ है। ये चुनाव जो हाईकोर्ट में रेट थी, ये खारिज होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन शासन की मंशाएं कराने की तो करा ले, लेकिन फेयर करा। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के 3 दर्जन लोगों ने उनकी आस्था में अविश्वास व्यक्त करते हुए, उनके कार्यकर्ता जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनने आज राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। हमारे अशोक चौधरी जो उनके नेतृत्व में, उन्होंने आज हमारे राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली है, और 3 दर्जन लोगों ने, उसकी सूची हमारे पास है, हम आपको प्रेषित कर देंगे, उसके लिए आप लोग थोड़ा इसका प्रचार प्रसार करें। वार्ड नंबर 20 में सांसद हेमा मालिनी की जनसभा कैंसिल होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भेदभाव बरत रहे हैं। भाजपा से पार्षद पद पर उतरे भाजपा प्रत्याशी की वार्ड नंबर 20 में सभा होनी थी। इस सभा को सांसद हेमा मालिनी को संबोधित करना था, लेकिन एन वक्त पर हेमा मालिनी नहीं आई, जिससे प्रत्याशी के भाजपा चुनाव कार्यालय पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। हम आपको बता दें कि इस सभा को सुनने के लिए वहां भारी भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन हेमा मालिनी के न आने पर भीड़ चली गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के ही वरिष्ठ नेताओं पर भेदभाव करने का आरोप लगाया।
उसको सुनने आए थे, देखने आए थे कि उसने क्या क्या मथुरा में कराया है, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे देखा तो वो नहीं आई, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो हमें बड़े मायूसी से घर वापसी करना पड़ा, लौट के जाना पड़ा। और हमारे जो लोग हैं साथ चलने वाले हैं वो भी हमारे मिलने जुलने वाले, जो जिन्होंने क्या हेमा मालिनी को ना सुनकर आप निराश हैं कुछ? मायूस है बिल्कुल, सभी लोग मायूस है यहाँ पर जो हमारे साथ, और इसीलिए यहाँ पर आए हम। क्या नाम है आपका? पटेल। हाँ सुरेश जी, क्या हुआ है, क्यों हंगामा कर रहे हैं आप? ये 8:20 में आज हमको हेमा जी ने टाइम दिया था 6 बजे का, फिर दलालों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी हमारी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है, ये दलालों का दोष है। जब तक भारतीय जनता पार्टी इन दलालों को नहीं करेगा, दिलीप गोस्वामी का फोन गया, बोले तुम्हारे यहाँ से प्रोग्राम कैंसिल किया जाता है, कम से कम हमने 1500 जनता को इकट्ठा किया, 2000 पैकेट बनवाए, सारी व्यवस्था जनता की, इस गरीब प्रत्याशी की मदद के लिए क्षेत्रवासियों ने एकत्र किए और बड़े संघर्ष के साथ इकट्ठे हुए, लेकिन घंटे भर बाद फोन आता है कि आपका प्रोग्राम नष्ट किया जाता है। प्रोग्राम नष्ट हो गया, हम मायूस हो गए, मायूस होने के बाद फिर घंटे भर पीछे फोन आता है, दो घंटे बाद फोन आता है कि आप चाहो तो जो है आप प्रोग्राम हेमा जी का लगवा सकते हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर क्या ऐसे दलालों के कहने से ही पार्टियाँ चलाएंगी? क्या कार्यकर्ता को इसी तरीके से गुमराह किया जाएगा, रिमोट कंट्रोल माना जाएगा? हम कोई नेता नहीं है, हम जमीन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं भाजपा जो नियम है उनको ताक पर रख के ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? ये भाजपा का जो नियम है सबका संग सबका विकास, उसको ना करके नहीं, दलालों का सहारा लिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इन दलालों द्वारा गुमराह किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। और ये दलालों को पार्टी टिकट देती है तो ये इतने पार्टी के गद्दार हैं, जो एक प्रदेश एक जिला महामंत्री है, एक प्रदीप गोस्वामी है, चिंतारण चतुर्वेदी है, जो पार्टी को धरातल में ले जा रहे हैं और टिकट जोड़ के मैदान से भाग रहे हैं डर के मारे, ऐसे लोगों को संगठन में शामिल किया जा रहा है। और छोटे कार्यकर्ता को, हम जैसे कार्यकर्ता को जो है विड्रो किया जा रहा है। तो मेरा पार्टी से अनुरोध है, वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध है कि इन भ्रष्ट दलालों से और इन पदाधिकारियों से जिले को जितनी जल्दी मुक्त कराया जाएगा, पार्टी उतनी तरह गंगा जल की तरह शुद्ध होगी। छह बजे फोन आता है कि आपके यहाँ से सभा कैंसिल कर दी गई। हमारी जनता सुबह इकट्ठी थी, हमने अपने पैसे से अपने व्यवस्था करी थी, पंच पंच सजाया था, पब्लिक आ गई थी सारी, वो सब पब्लिक गायब हो गई। हमने हेमा मालिनी जी के लिए क्या नहीं किया, घर घर जाके एक एक आदमी को वोट मांगा, उनको जितवाया, हमारी बहू से जितवाया, लेकिन जब भी एक बार पहले भी उनकी सभा हमारे यहाँ होनी थी, लेकिन एंड टाइम पे वो कैंसिल कर दी गई है, सब हेमा मालिनी नहीं आएंगी, वो स्वास्थ्य उनका गड़बड़ है। तो क्या मानते कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके खिलाफ? हमारे साथ हमें ऐसा लगता है कि भीतरघात हो रहा है पार्टी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा। नाम लेना? हाँ, जिसमें प्रदीप गोस्वामी जी की भूमिका है। पदाधिकारियों को मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोई वैल्यू भी नहीं है पार्टी में, मुझे कोई जानता भी नहीं है पार्टी में, मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं पहले सभासद भी था। अब इसकी कंप्लेंट आप कहाँ कहाँ करेंगे? मैं अब कार्यालय पे कंप्लेंट करने आया हूँ,
और हो सकता है मोदी जी तक, योगी जी तक, जहाँ तक भी हमारी कंप्लेन होगी उनकी उनकी कराएंगे, लेकिन हमें ये हमें उम्मीद नहीं है कि उनके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि वो बहुत बड़े नामी ग्रामी नेता हैं, उनके 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 खिलाफ जो पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको उनके ऊपर ऊपर से दबाव दिलाया जाएगा कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करें और नहीं होगी। हमारी ये मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई, बड़ी कठोर से कठोर कार्रवाई पार्टी द्वारा की जाए। जैसे जैसे मतदान का समय समीप आता जा रहा है, वैसे ही पार्षद प्रत्याशी अपना जनसंपर्क तेज करने में लगे हुए हैं, कहीं वोटरों को मनाने में लगे हैं तो कहीं स्वागत सत्कार का दौर भी जारी है। जैसे जैसे चुनाव मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सबसे ज्यादा रोचक स्थिति उन वार्डों में है जहां पहले ग्राम प्रधानी के चुनाव हुआ करते थे। प्रधानी चुनाव में जहां जातिगत आधार पर जीत हार तय होती थी, परंतु अब पार्टी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के व्यक्तिगत व्यवहार और हैसियत की नजर से आंका जा रहा है। इस बार चुनाव में पुराने दिग्गज भी भाग्य आजमा रहे हैं। कभी ग्राम सभा तंतुरा में अपनी पत्नी को प्रधानी के चुनाव लड़ाने वाले राकेश ठेनुआ ने एक बार फिर अपनी पत्नी देवेंद्री ठेनुआ को वार्ड नंबर 53 के तंतुरा बालाजीपुरम क्षेत्र से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के रूप में उतारा है। पिछली हार के बाद इस बार जीत का स्वाद चखने के लिए वे दिन रात जनसंपर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं शहर की। शहर में इस बार पार्षद प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है, जो अपनी टीम के साथ प्रचार प्रसार और रैली में जुटे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कृष्णापुरी रोटी गोदाम के वार्ड नंबर 58 में, जहां पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे युवा मनोज शर्मा खासे जोश में हैं और अपने युवा साथियों के दल के साथ चुनाव प्रचार में तेजी से जुटे हुए हैं। वार्ड नंबर 39 में नगर निगम का चुनाव सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है और अंक गणित भी लगा रहा है। मथुरा नगर निगम का चुनाव प्रचार प्रसार अब अपने चरम पर बोल रहा है। प्रत्याशियों ने सारे हथकंडे वोटरों को रिझाने के लिए अपना रखे हैं, जिससे अपनी जीत पर कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जो ग्राम पंचायत में हुआ करती थी अब नगर निगम में शामिल हो गई हैं। प्रधान हुआ करते थे, अब वहां पार्षद होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 39 की, जो कि पहले ग्राम प्रधानी में था, अब नगर में शामिल हुआ है, जहां से कई प्रत्याशी पार्टी से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यहां से पूर्व प्रधान रहे लीला प्रधान भी दोबारा चुनाव मैदान में हैं और अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं, जबकि इस बार स्थिति लोगों से छुपी नहीं है। इसके बावजूद भी अपना मुकाबला एक तरफा मानकर चल रहे हैं। उनको लगता है कि जनता उनको दोबारा चुनेगी, मगर इसी बात से समाजवादी पार्टी के जुझारू प्रत्याशी ऋतु गोयल ने भी इस वार्ड में सपा से अपनी दावेदारी दमदार तरीके से पेश की है। उनका पढ़ा लिखा होना और आर्थिक मजबूती भी जीत की ओर कदम बढ़ाती नजर आ रही है, ऐसा लोगों का मानना है। जबकि बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी जो मैदान में उतारा है, वो इस वार्ड की कमजोर कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व प्रधान के रिश्तों के बीच टिकट के विवाद के बावजूद दोनों ही मैदान में हैं। अब यदि कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी अपना मुकाबला सपा की ऋतु गोयल से मानते हैं, जबकि पूर्व प्रधान को लगता है कि ये जनता हमें दोबारा मौका देगी और पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। विकास अगर गाँव के लोगों के हिसाब में दिखता है तो इस वार्ड की जनता ऐसे प्रत्याशी को जिताएगी जो सभी विकास कार्य और नई योजनाओं का लाभ दिलवा सके। जबकि इस वार्ड के सभी प्रत्याशियों की बात करें तो सपा प्रत्याशी का पल्ला भारी नजर आ रहा है। सभी प्रत्याशियों ने दिमाग में जो प्लान बनाया है वो बहुत ऊंचे स्तर का है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वार्ड को डिजिटल की तरह बनाने का सपना है और बच्चों के और वृद्धजनों के लिए उनकी सोच है, वो जरूर लोगों को आकर्षित करेगी। अब देखना होगा कि 39 वार्ड की जनता जनार्दन वार्ड की कमान किसको सौंपती है, दोहराएगी या होनहार प्रत्याशी को जीत का सहरा पहनाएगी, ये अब वक्त बताएगा। बहरहाल सभी प्रत्याशी अपना अपना दावा पेश करते नजर आए। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप देखते रहिए मंच न्यूज।